आप भी एक बिगिनर हैं जिन्होंने अभी अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, यानी कि अभी 2-3 महीने 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो भाई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपको सारी ट्रेनिंग, सारा न्यूट्रिशन बताऊँगा, एज अ बिगिनर क्या फॉलो करना होता है। इसमें हम बातें करेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, किस फ्लो में एक्सरसाइज होनी चाहिए, नंबरिंग पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, उसके साथ साथ नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट लगाने हैं, कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए, किन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप यू नो जिम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ में जो बहुत लंबी होने वाली है, सारे बॉडी पार्ट्स हम कवर करेंगे, बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसमें मिलेगी। सो आज इसका पहला वीडियो है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है या आप चाहेंगे कि और इस तरह की सीरीज़ में वीडियोस आते रहें तुरंत, तो इसको लाइक करके और कमेंट सेक्शन में बताना जितने भी लोगों को ये पसंद आएगी। ऑलराइट, चलिए पहले दिन की शुरुआत हम आज करते हैं चेस्ट वर्कआउट से। पहले मैं वर्कआउट कंप्लीट करूंगा सारी एक्सरसाइजेस के, उसके बाद न्यूट्रिशन में धीरे धीरे आऊँगा। सो चेस्ट की एक्सरसाइज में कैसे लगानी है चेस्ट का वर्कआउट, सारा गो थ्रू करता हूँ बिगिनर्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट दोस्तों, एज अ बिगिनर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, वो है वार्म अप सही तरीके से करना। अब आप आज प्रेसिंग मूवमेंट्स करने वाले हो चेस्ट के लिए, तो आपके जॉइंट्स वार्म होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। कौन कौन से? आपका रिस्ट जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं। अगर वार्म अप किए बिना कोई भी एक्सरसाइज लगाओगे ना, तो इंजरी के चांसेस होंगे, और ये फिर जो शुरुआत में जो इंजरी होती है ना, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। सो इसके लिए आपको शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके से रोटेशंस करना बहुत ज़रूरी है। यूँ रोटेशंस करो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास अगर डंबल है तो डंबल से आप हल्के हल्के, बहुत ही लाइट डंबल्स, ये मैंने 3 kg पकड़ा है, आप 1 kg के डंबल्स हैं उससे करो, ठीक है। या फिर बिना हाथ, बिना वेट के भी आप इस तरीके से मोशन कर सकते हैं, ठीक है, शोल्डर रोटेशंस। उसके साथ साथ नेक रोटेशन, जब आपकी चेस्ट का मूवमेंट करते हो तो ये पूरे मसल्स पे स्प्रेन पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो नेक के रोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपकी लोअर बैक, अब लोअर बैक को कैसे करोगे वार्म? लोअर बैक के लिए आपको ज़मीन में लेट के ये हाइपर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ये करने में, तो आप धीरे धीरे हल्के हल्के कर सकते हैं, राइट। तो लोअर बैक की मोबिलिटी, उसके साथ साथ आपको अपने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं इसमें बिगिनर में ही, तो आप केबल मशीन पे एक्सटर्नल रोटेशन करके अपने रोटेटर कफ पीछे मसल्स को वार्म कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। सो जब आपका पूरा वार्म अप ख़त्म हो जाता है, लगभग इसमें 5 से 7 मिनट लगने ही चाहिए। वार्म अप की यू नो 3 रिक्वायरमेंट होती है, आपके जॉइंट्स वार्म हो, आपके मसल्स वार्म हो, चेस्ट मसल, ट्राइसेप मसल जो एक्टिवेट होने वाला है, कोर मसल, सारी चीज़ें, उसके साथ साथ आपकी ब्रीदिंग रेट, यानी कि जो हार्ट रेट है और ब्रीदिंग रेट है, वो भी ऊपर होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, तब मूव करेंगे हम एक्सरसाइजेस में। ऑलराइट गाइस, सो पहली एक्सरसाइज एज अ बिगिनर आपको कौन सी लगानी है, वो है चेस्ट प्रेस मशीन में। अब मशीन में लगाने का रीज़न ये है कि भाई जब मशीन में हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी पूरी स्टेबल रहती है, मूव नहीं करती। यही प्रेसिंग मूवमेंट अगर आप डंबल से लगाओगे, बारबेल से लगाओगे, तो बॉडी को क्या स्टेबलाइज करना पड़ता है मूवमेंट, हाथ हिलता है, और जिससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शोल्डर पे या फिर आपके एल्बो पे, रिस्ट में। अब यहाँ पे मूवमेंट देखो, फिक्स है, ये फिक्स मूवमेंट है, ठीक है, इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जिस पार्ट को हमें टारगेट करना है, ये चेस्ट को, उस पार्ट को आप आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है। अब जब आप इसमें पर्टिकुलर एक्सरसाइज जब आप शुरू करोगे, तो आपको कितने सेट्स लगाने हैं? आप टोटल यहाँ पे 3 सेट लगाएंगे, 3 वर्किंग सेट, लेकिन उस वर्किंग सेट पे पहुँचने के लिए आपको 1 या 2 वार्म अप सेट लगाने बहुत ज़रूरी है। अब मेन वर्किंग सेट आपके कितने रेपिटेशंस का होगा? पहले वर्किंग सेट से लेकर दूसरे तीसरे वर्किंग सेट में आपको 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। अब ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की ज़रूरत क्या होती है एज अ बिगिनर? जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आपको मूवमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, और कम रेपिटेशन और हैवी वेट में आपको मूवमेंट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा लाइट वेट आपका रखा जाए, और आप 12 से 15 रेपिटेशन आराम से फील करते हुए चेस्ट प्रेस, ये ठीक है, शोल्डर जॉइंट स्टेबल आपका रखते हुए प्रॉपर तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएंगे। अब जो वेट के आप लगाओगे, वहाँ पे पहुँचने के लिए 2 वार्म अप सेट आप ज़रूर लेना, 1 और 2, ठीक है। और हर सेट के बीच में आप लगभग 45 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा ज़्यादा लेने की, तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा एज अ बिगिनर। ऑलराइट, सो हमारी दूसरी एक्सरसाइज एज अ बिगिनर आती है यहाँ पे
पैक डेक फ्लाई। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो मशीन है, आप सभी लोगों के जिम में होगी, चाहे कैसा ही जिम हो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये जो आपको ये पैड दिख रहा है ना, पैड, इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो ये बॉडी, अपर बॉडी, ये स्टेबल रहती है। साइड एंगल से अगर हम देखें तो देखो ये स्टेबिलिटी जो आपको मिल रही है ना, जो भी एक्सरसाइज आप लगा रहे हो उसमें स्टेबिलिटी जब चेस्ट को मिलती है तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिलता है बॉडी को, जिसकी वजह से कोई भी इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मशीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है एज अ बिगिनर आपको, ठीक है। जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाएं, आपके स्टेबलाइजर मसल स्ट्रांग ना हो जाएं, यू नो, एक न्यूरो मस्कुलर कनेक्शन ना बन जाए, तब तक आप इस तरह की असिस्टेड मशीन्स पे ही एक्सरसाइज करें। अब आती है बात, जब आप पैक डेक फ्लाई लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं पैक डेक फ्लाई? प्रेसिंग मूवमेंट हमने कर लिया है। प्रेसिंग मूवमेंट मतलब चेस्ट का प्रेस मूवमेंट, चेस्ट का जो मसल है इसे कहते हैं पेक्टोरिलिस मेजर एंड माइनर, ठीक है, दोनों मसल्स को। अब इसको हम दो तरीके से हिट करते हैं, एक तो प्रेस मूवमेंट से और एक फ्लाई मूवमेंट से। अब फंक्शन क्या है चेस्ट का? चेस्ट का मेन फंक्शन होता है कि आपके हाथ को यूं बॉडी की सेंटर लाइन की तरफ लेके आना, क्योंकि चेस्ट के मसल का अटैचमेंट ऐसे होता है, यूं होता है। अब जब चेस्ट का मसल खींचता है तो ऑटोमेटिकली हाथ को पास लेके आता है। अब प्रेसिंग में भी वही हो रहा है, ये फ्लाई में भी वही हो रहा है, ठीक है। तो ये दो वेरिएशन हम देते हैं ताकि चेस्ट का मसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सके। ऑलराइट, अब लगाते हैं हम फ्लाई, देखो। सो ना, जब हम फ्लाई लगा रहे हैं, पूरी तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है चेस्ट को, अगेन शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करके चेस्ट को ऊपर करना है, बहुत ज़रूरी है ये। जब तक आप ये अगर ऐसे करने लगोगे ना तो आपके शोल्डर पे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए चेस्ट को यूँ ऊपर करना है, ठीक है। ये छाती चौड़ी यूँ, ठीक है, ये स्ट्रेच करो यहाँ तक, बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, शोल्डर पे दिक्कत आ सकती है, इतना इतने में आपके चेस्ट मसल को स्ट्रेच मिल जाता है। उसके बाद आओ फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश ये नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे कंट्रोल करो मूवमेंट पे, कंट्रोल स्ट्रेच एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाने हैं, टोटल 3 सेट आप लगाओगे और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन कॉन्सेंट्रिक फेलियर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि पहली एक्सरसाइज अगर आपने लगाई है चेस्ट प्रेस, उसके बाद इसमें एटलीस्ट एक वार्म अप सेट ज़रूर देना, मतलब एक सेट ऐसा लगाना कि जिसमें यू नो 7-8 रेपिटेशन लगा के आपने इस मूवमेंट को समझना, उसके बाद ही आप अपना वर्किंग सेट स्टार्ट करना। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट, तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज आती है एज अ बिगिनर, इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब देखो डंबल प्रेस मैं यहाँ पे अभी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपकी बॉडी जॉइंट्स काफ़ी वार्म हो चुके हैं और लाइट डंबल से आप अभी स्टेबलाइज कर पाओगे अपने मूवमेंट को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इंक्लाइन बेंच में एंगल क्या रखोगे। अगर आपके पास इस तरीके से स्मार्टफोन है तो इसमें एक एप्लीकेशन होती है एंगल चेक करने की, तो -23 या 24 डिग्री का एंगल होना चाहिए फ्लोर से, फ्लोर से यानी कि फ्लैट बेंच से। ये फ्लैट बेंच है, फ्लैट बेंच से आपको लगभग 24 डिग्री का एंगल लगाना पड़ेगा। अगर आपको नंबर में बताऊं तो ये 3 नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब 3 नंबर विजिबल है, चौथे में ये हुक लगी हुई है, ठीक है, 3 नंबर पे विजिबल है। तो इतना एंगल आपको चाहिए पड़ेगा सही तरीके से अपने अपर चेस्ट, यानी कि जिसे हम क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरियलिस मेजर बोलते हैं, उसको टारगेट करने के लिए। अब देखो फ्लैट हमने कर ली, फ्लाई हमने कर ली, अब हम फिर से प्रेस मूवमेंट करेंगे लेकिन इंक्लाइन में। सिंपल क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, चेस्ट अप, ठीक है, शोल्डर ब्लेड का रिट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइट डंबल से 12 से 15 रेपिटेशन इसमें भी आपको लगाने हैं, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल स्ट्रेच। ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्सरसाइजेज में अप्लाई होगा। जब आप नीचे जाते हैं तो आप इनहेल करते हैं, यानी कि सांस अंदर लेते हैं, देखिए। जब आप प्रेशर यानी कि ताकत लगा रहे हैं तो आप एक्सहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल, यानी कि ईसेंट्रिक पार्ट जो नीचे नेगेटिव आ रहा है उसमें सांस अंदर ली जाएगी और सांस ऊपर छोड़ी जाएगी कॉन्सेंट्रिक पार्ट पर, यानी कि पॉजिटिव पार्ट पर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप लगाओगे 3 सेट और इस पर्टिकुलर हर सेट में आप लगाओगे 12 से 15 रेपिटेशन, हर सेट के बीच में 45 से लेकर 1 मिनट का आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। अब
ये आपकी सिंस तीसरी एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको वार्म अप करने की खास जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट वो वेट पिक करना जिसमें आपके 12 से 15 रेपिटेशन आए कॉन्सेंट्रिक फेलियर में। ऑलराइट, सो ये होती है हमारी तीसरी एक्सरसाइज, लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट वन। ऑलराइट, सो हमारी आखिरी एक्सरसाइज आपकी आती है यहाँ पे केबल में लोअर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। अब केबल आप लोअर चेस्ट जब ये लगा रहे हो ना, अभी तक आपका जो चेस्ट मसल है वो पूरा वार्म हो चुका है अच्छी तरीके से, और शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट सारे अभी मोबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो आप यहाँ पे ये मूवमेंट लगा सकते हो। क्या करना है, सिंपली सबसे पहले उठाते समय काफ़ी सारी इंजरी होती है, दोनों हाथों से वेट को नीचे पुल करना है, यूँ थोड़ा सा आगे आना है, दोनों पैर को चिपकाना है, ठीक है, और इस तरीके से ये लोअर चेस्ट को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज लगानी है, बहुत ही लाइट वेट से 12 टू 15 रेपिटेशंस, दैट्स इट। यू 1 2, ध्यान देना जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ओवर स्ट्रेच मत, ये इतना जाने की जरूरत नहीं है, शोल्डर जॉइंट पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यू 3 4, हर एक्सरसाइज में जो भी आप लगा रहे हो चेस्ट की, आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो ये चेस्ट है ना वो ऊपर रहे, इसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड का रिट्रैक्शन करना, मैंने बहुत बार बताया रिट्रैक्शन ऑफ शोल्डर ब्लेड, पीछे खींचना, जब आप पीछे खींचते हो शोल्डर को तो चेस्ट ऊपर आती है, हर एक्सरसाइज में, चाहे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, चाहे पैक डेक फ्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चेस्ट ऊपर होना चाहिए, और इस तरीके से आप इस मूवमेंट को करोगे। अगेन, अब रेपिटेशन मैंने बता दिया आपको 12 से 15 सारे मूवमेंट को समझना है, उसके साथ साथ टोटल 3 सेट आप लगाओगे। अब इसमें आपको वार्म अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी वार्म हो चुके हैं, ठीक है। सो सीधे स्टार्ट करना, वो वेट लगाना जिससे आपके 12 से 15 रेपिटेशन आ रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हमारा बिगिनर सीरीज में पहला चेस्ट का वर्कआउट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप बटन को जरूर दबाना ताकि हम और भी इस तरह के वीडियो लगातार लेके आ पाएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जीत सलाल साइनिंग ऑफ।